सनरिच गजाइत से भरपूर रमजान के साथ मैं शेफरा मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई कैसी कुकिंग जा रही है आपकी घर में, आपकी किचन में? आप मजे मजे के खाने बना रहे हैं क्योंकि मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ मजे मजे के यूनिक से खाने। आज की रेसिपी भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है और बहुत ही मजे की रेसिपी है। आप जब अपने घर में बनाएंगे तो अपने घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। इसके तीन स्टेप है लेकिन तीन स्टेप बहुत ही ज्यादा आसान है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अरे मैं नाम बताना तो भूल गई। आज की रेसिपी का नाम है मुतबक। जी है ना, यूनिक सी। तो आज मैं बना रही हूँ मुतबक और इसके फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो हम चलते हैं जल्दी से। ये मेरे पास है सनरिच का मैदा जो कि फोर्टिफाइड है। इसके अंदर आयरन, जिंक, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 शामिल है। और सबसे खास बात यह है कि इसमें नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से आप जब इसकी डो बनाते हैं तो पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम पानी का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि हमारी रोटी जो है वो बहुत अच्छी बनती है, बहुत क्रिस्पी बनती है। और अगर आप रोटी को 3-4 घंटे तक बना के रख देंगे तो वो सॉफ्ट रहेगी, है ना मज़े की बात। तो चले हम पहले आटे की डो बनाते हैं। मेरे पास तकरीबन इसमें मैंने 2 कप भर के मैदा लिया हुआ है, सनरिच का मैदा है मेरे पास। अब हम इसमें सनरिच आयोडाइज सॉल्ट शामिल करेंगे 1 टीस्पून, उसके साथ ही 1 अदद अंडा, 1 टेबल स्पून घी, 3 से मिक्स करेंगे और फिर हम इसे पानी डाल के एक डो बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और एक अच्छी सी डो बना लेंगे। आटे की डो हमारी तैयार है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट इसलिए देना जरूरी है कि जब भी आप घर में चपाती बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि आपने आटे की डो बना के उसको 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको रेस्ट दे दें। जब आप पराठा या रोटी या चपाती आप इसको बेलते हैं तो वो सॉफ्ट बनती है, बहुत ही खस्ता सी बनती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसीलिए आपने इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। तो अब मैं जो हूँ इसको रेस्ट दे रही हूँ और चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो हमारा है कीमे को फ्राई करना। सेकेंड स्टेप में सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून ऑयल डालना है। ये हमारे मुतबक का मसाला बन रहा है। ये बहुत ही यमी सा होता है और टेस्टी सा, स्पाइसी सा होता है। तो इसमें मैं शामिल करूंगी चॉप, बिल्कुल मैंने फाइन चॉप की है प्याज, तो वो इसके अंदर शामिल कर दूंगी। उसके साथ मैं इसमें शामिल करूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और अब मैं इसमें कीमा शामिल करूंगी। साथ साथ हम सारे मसाले ऐड करते जाएंगे, फिर हम इसे पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी बन जाएगा। मेरे पास है रोस्टेड वाइट जीरा, मैं इसको 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करूंगी। जब भी आप खाना बनाएं तो मैं आपको एक टिप दे देती हूँ कि आपने जीरा लेना है वाइट जीरा, इसको ड्राई तवे पे रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद आप इसका पाउडर बना लें या फिर इसको क्रश करके रख लें, फिर आप जब अपनी डिश पे इसको डालेंगे तो बहुत ही एक अच्छी खुशबू आती है, इसका एक जायका अरोमा बहुत अच्छा निकलता है। अच्छा, इसके साथ ही मेरे पास है काली मिर्च पाउडर, मैं ये इसके अंदर ऐड करूँगी 1/2 टीस्पून। साथ में मैं यहाँ पर 2 तरह की मिर्च शामिल कर रही हूँ। एक तो मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च, ये 1 टीस्पून, और सेकंड मेरे पास पेपरिका मिर्च है और ये ज़्यादा इतनी स्पाइसी होती नहीं लेकिन कलर बहुत अच्छा देती है, ये ऐड कर लिया। अब इसके अंदर शामिल करूँगी सनरिच आयोडाइज सॉल्ट 1/2 टीस्पून, या जो आपका टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत जल्दी बन जाएगा। कीमे का जब भी आप इंतखाब करें तो बिल्कुल फाइन चॉप होना चाहिए। ये 2-3 दफ़ा आप घर में भी मशीन में इसको निकाल सकते हैं। इससे क्या एक फ़ायदा होता है कि इसका कुकिंग टाइम बच जाता है, हमारा भी जल्दी से बन जाता है। बस इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होगा और कीमा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। हल्का सा इसको आपने पका लेना है। अच्छा, मैं यहाँ पर बीफ का कीमा ले रही हूँ। आप अगर आप चाहें, अगर आपको पसंद है चिकन की कीमा तो आप वो भी ले सकते हैं, मटन का कीमा भी ले सकते हैं, जैसा आपको दिल चाहे। अच्छा, कीमे की जगह बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वेजिटेबल्स बहुत पसंद करते हैं, तो वो भी फाइन चॉप करके आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपके पास हैं इस डिश को बनाने। बस हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे, इसको ड्राई होंगे क्योंकि कीमे का पानी और जो मसाले हमने डाले हैं वो सारे चीज़ें जो है कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिल जाए और उसका कीमे का पानी ड्राई हो जाए तो हमारा कीमा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। जैसे इसको फ्राई करना है, मिक्स करना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब आप अपने घर में ये बनाएंगे तो सब घर वालों को भी बहुत अच्छी खुशबू आएगी
और आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा जब मैं आपको पूरी रेसिपी बता दूं। और ट्राई करने के बाद हमारा सनरिच का एक फेसबुक पेज है, सनरिच सुपर हीरोज के पेज पे जाके आप फीडबैक दे सकते हैं, अपनी रेसिपी को बना के पोस्ट कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि जो मैंने आपको रेसिपी सिखाई आपको कैसी लगी, आपके घर वालों को कैसी लगी। बस ये हमारा डन है, थोड़ी देर में ये कीमा हमारा तैयार हो जाएगा। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो फिर हमारा कीमा यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अब फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ, कीमा तैयार है। अब हम इसे क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए रखेंगे और चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। हमारे थर्ड स्टेप के लिए हमने क्या करना है, एक बाउल लेना है। बाउल के साथ मैं इसमें शामिल करूंगी 2 अदद यहाँ पर अंडे हैं, मैंने ये ले लिए हैं। उसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगी 1 बड़े साइज का टमाटर है, उसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है, मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और साथ ही साथ हरा प्याज, उसको भी मैंने फाइन चॉप किया है, वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। और यहाँ पर फाइन चॉप हरा धनिया, उसको मैंने ऐड कर दिया। इसको हल्का सा हमने मिक्स कर लिया। कीमा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें कीमा शामिल कर देंगे। है ना, बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है और बिल्कुल चेंज है, जो आप घर में खाने बनाते हैं इससे बिल्कुल चेंज है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब हम इसको मैं हटा देती हूँ, उसको मिक्स करूँगी। लेकिन ये याद रखना है जब कीमा ठंडा हो जाए फिर आपने इसको अंडे के अंदर इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कीमा बिल्कुल तैयार है, इसको हम साइड पे रखते हैं। अब चलते हैं, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था, हमने जो मैदे की डो बनाई थी उसकी तरफ चलते हैं। ये हमने इसको 15 मिनट दे दी है, इसको रेस्ट दे दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके हमने पोषण करके पेड़े बना के इसका हमने एक रोटी बनानी है। ठीक है, मैं भी आपको बना के बताती हूँ। इस तरह से आपने इसको डिवाइड कर लेना है, इक्वल डिवाइड करना है। और अब हम इसे रोटी बेलेंगे और फिर क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मुझे इसकी रोटी बनानी है, इसके लिए मैं अपना काउंटर थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पर सही से दिखा सकूँ कि इसको रोटी को किस तरह से हमने रोल करना है और किस तरह से इसकी फिलिंग करनी है। तो मैं आटे की डो को हम रोल करेंगे, लेकिन रोल करने से पहले हम अपने काउंटर को साफ करेंगे जी। तो इसको अच्छे से क्लीन करना है और फिर हम इसे रोल करेंगे। बेलने से पहले थोड़ा सा आप ड्राई मैदा अपने वो छिड़क लेना है ताकि वो चिपके नहीं। ठीक है, मैंने इसको रोल करना है। आपने इसको रोल करना है क्योंकि हमने इसे रेस्ट दिया था, बहुत सॉफ्ट हो चुका है और ये बहुत अच्छी तरीके से इजीली रोल हो रहा है। इस तरह से हमने इसको ये शेप देना है। ठीक है, बिल्कुल गोल हमने चपाती की तरह नहीं बनाना, इसे शेप देना है ताकि हम इसमें कीमे की अच्छी से फिलिंग कर सके। बस इस तरह से हमने इसको शेप देना है। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कीमे की फिलिंग तैयार थी, वो हमने इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आई है मुझे, इतना कलरफुल लग रहा है, मजे का। अच्छे से आपने इसे फिल करना है, उसके कॉर्नर्स हैं उस पर आपने नहीं डालना, इसको हमने फोल्ड करना है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिए, बस बीच में इसकी फिलिंग करनी है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से ठीक है ऐसे फोल्ड कर देना है, यहाँ से फिर यहाँ से फोल्ड करना है इस साइड से। इसको आप प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर ये अच्छी तरह से चिपक जाए। फिर हमने इसको यहाँ से फोल्ड कर देना है, ऐसे फोल्ड करना है। ये हमारा मुतब्बक का शेप जो है वो तैयार है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। हम इसको डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करेंगे, जिस तरह से हम पराठा फ्राई करते हैं सेम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ अपने हाथ में रख के किस तरह से बन चुका है, आप इसको देख सकते हैं। इसकी इस तरह से शेप आनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब हम फ्राइंग पैन को, इसको मैं चीज़ों को हटा देती हूँ, साइड कर देती हूँ, और हमारा जो फ्राई वाला फ्राइंग पैन है उसको मैं यहाँ ले आती हूँ। इस तरह से मैं एक एक करके सारे मुतब्बक बना लूँगी। अभी मैं एक फ्राई करके आपको बता दूँगी। मुतब्बक को हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे सिर्फ पैन को ग्रीस करने के लिए, ज्यादा ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ हम इसके अंदर मुतब्बक को लग देंगे।
एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दूसरी साइड से पकाएंगे। ऑयल में यहाँ पे बबल्स आना शुरू हो गए, इसका मतलब है कि हमारा मतलब पक जो है वो पकना शुरू हो चुका है। जब एक तरफ से पक जाएगा तो हम फिर दूसरी तरफ से पकाएंगे। अच्छा, मैंने तो यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल किया, अगर आप चाहें तो इसमें बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुतब्बा को पकाने के लिए, और इसमें आप चाहें तो और घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी वो अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। सही है, जिस तरह से भी आप चाहें, लेकिन इसको बहुत ही लाइट से ऑयल घी या फिर बटर में आप इसको बनाएं तो इसका एक कलर भी बहुत अच्छा आता है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वरना क्या होता है, ऑयली ऑयली सा हो जाता है, फिर आपको मज़ा नहीं आता। जो हमने इसका मसाला इसके अंदर कीमे का डाला हुआ है तो उसका टेस्ट जो है वो आपको अच्छे से नहीं मिलता। अब मैं इसको चेक करती हूँ, एक तरफ से ये पक चुका है, बस ये पकने वाला है, एक तरफ से पकेगा, उसके बाद अच्छा सा कलर गोल्डन कलर देता है, मैं इसको दूसरी तरफ से पकाऊंगी। इसकी साइड्स को भी हमें चेंज करना चाहिए ताकि वो चारों जगह से एक जैसा पक जाए। बिल्कुल बहुत अच्छा कलर आ चुका है। अब मैं इसे स्पून की मदद से, मेरा स्पून है, इसकी मदद से मैं इसको पलटूंगी। बहुत ही एहतियात के साथ इसको पलटे क्योंकि हमने इसके अंदर बहुत अच्छा कलर आया है, जबरदस्त सा कलर इसका आया है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसको थोड़ी देर इसको पकाएंगे और फिर इसके साइड से हम इसको पकाएंगे, फिर हमारा मुतब्बा तैयार हो जाएगा। जो लोग सहरी में पराठा खाने के शौकीन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे आप अफ्तार में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन सहरी में भी इसको आप खा सकते हैं। इसके लिए बस आपको क्या चाहिए, कोई भी डिप चाहिए उसके अंदर आप डिप करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। वैसे भी किसी भी डिप के बगैर भी आप इसको खा सकते हैं। मुतब्बक बहुत अच्छी तरीके से हमारा ये पक चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। मुतब्बक हमने बना लिया है, अब हम चलते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्रिंक की तरफ जिसका नाम है लेमन एंड ऑरेंज ड्रिंक। जी जनाब, तो है ना डिफरेंट नाम, और बहुत टेस्टी है, बहुत कूलिंग इफेक्ट देती है, तो जल्दी से बनाते हैं ड्रिंक हमारी। हमने लेना है यहाँ पे ऑरेंज जूस 1 ग्लास, इसके साथ ही 2 टेबल स्पून लेमन जूस, यहाँ पर लेना है सॉल्ट, सनरिच का सॉल्ट है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, उसके साथ सनरिच शुगर डबल रिफाइंड क्रिस्टल शुगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें 2 टेबल स्पून। अब हम इसे ब्लेंड कर देंगे, है ना इतना आसान। बस बन गई हमारी ड्रिंक। अब हमने इसे लास्ट में, मैंने पहले से इसमें आइस डाल दिया है क्योंकि ठंडी ठंडी सी होगी तो मज़ा आएगा अफ्तार में। हमने इसे क्या करना है, थोड़ा सा इसमें पहले डालना है क्योंकि इसकी लुक भी तो अच्छा लगे ना आपको, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका लुक है। अच्छा, इसमें मैंने लेमन के स्लाइसेस हैं वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, और इसके साथ मैंने यहाँ पर ये पुदीना के लीव्स हैं वो डाल देती हूँ। और साथ ही साथ मेरे पास यहाँ पर फ्रेश ऑरेंजेस हैं, वो भी मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। बहुत ही अच्छी ड्रिंक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाइएगा, आपके सब घर वालों को बहुत अच्छी लगेगी, बहुत आसानी से बन जाती है। उसके बाद हमने दोबारा से जो हमारे पास ड्रिंक थी वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। ग्लास में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत ही थोड़ा, ज़्यादा नहीं, मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। इतनी जल्दी तैयार हो गई हमारी लेमन एंड ऑरेंज ड्रिंक, जरूर ट्राई कीजिएगा। सनरिच गजाएत से भरपूर रमजान में आज हमने बनाया है मुतब्बक और लेमन एंड ऑरेंज ड्रिंक, जो कि बहुत ही जल्दी बन गई। और रमजान का महीना है, हम चाहते हैं कि किचन का काम हम जल्दी से खत्म कर दें और फिर अपने दूसरे कामों की तरफ जाएं, लेकिन जल्दी बने रेसिपी और बहुत ही मजे की बने। तो आप देखते रहें मेरी रेसिपी और हमें फॉलो करते रहें, अपने फीडबैक जरूर दें, मुझे दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। सनरिच की तमाम प्रोडक्ट आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं 03010 तक,
3278825 पर आप कॉल करें और ऑर्डर करें। इसके अलावा unityexpress.pk पर भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। कराची वालों के लिए फ्री डिलीवरी है। आप यूनिटी एक्सप्रेस स्टोर पे भी आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर सनरिच की बहुत वसी रेंज है, बल्कि सारे प्रोडक्ट वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पर खुशी की बात यह है और सबसे बड़ी बात यह है वहाँ पे डिस्काउंट्स भी मौजूद है, तो आप इस ऑफर से फायदा जरूर उठाएं।